हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो, जो भी आपके चैप्टर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बी कॉम सेमेस्टर फाइव के तो हमें कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है क्या ऐसी चीजें है जिसमें अगर आप प्रॉपरली ध्यान दोगे

तो ये लिंक जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले बिकॉज सभी लोगों को इसका एडवांटेज जो है वो मिलना चाहिए हम सारे चैप्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स की कैसे फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या चीजों को ऊपर फोकस करना है कैसे टाइप के एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मच डिटेल सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आपके पास एक बुक और आपका पेन होना चाहिए बिकॉज जो जो चीजें मैं बताऊंगा चैप्टरवाइज वो आप अपने बुक्स में नोट डाउन करके रखें ताकि जब आप एक लास्ट मिनट में एग्जाम से पहले जाके रिवाइज करने वाले हो तो कौन से ऐसे वराइटीज uh, है कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसके ऊपर आप फोकस करना आपको चाहिए तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर एंड डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द टॉपिक्स सो so, अभी हम देखेंगे एक्जैक्टली exactly कि कौन से कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है आ, किस चैप्टर के ऑप्शन में कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पेपर सॉल्व करने में कंप्लीशन करने में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे जिनके स्पीड थोड़ा कम है प्रॉपरली uh, सिस्टम को फॉलो करें किस तरीके से पेपर्स uh, में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे uh, जो लिंक है उसमें से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं uh, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइमली बेसिस पे मिलेंगे एंड अपने कॉलेज के नाम के साथ आपका नाम भी आप नीचे लिख सकते हैं ताकि मुझे भी एक्जैक्टली exactly पता चले कि कौन से कौन से बच्चे ये जो आज का रिविजन सेशन है वो अटेंड कर रहे हैं तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग तो देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी ऑब्जेक्टिव्स ठीक है अभी ऑब्जेक्टिवस जो है ऑब्जेक्टिव्स में मेजर प्रॉब्लम या मेजर दिक्कत यह होता है कि ऑब्जेक्टिवस तो बुक के पीछे बहुत सारे दिए हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव हमेशा कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं है कि बुक के पीछे से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा तो दे विल बी मोर फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स तो अनलेस एंड अनटिल यूर कंसेप्ट आर क्लियर यू यू कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कंसर्न ठीक है लेकिन इजी इजी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो अभी एक तो आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं एम एक तो आपको इसमें ट्रू ऑल फॉल्स आ सकता है या एक तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है ठीक है मैच द फॉलोइंग इसमें आपको आ, देखने मिलेगा आ, दस एम सी क्यूस दस ट्रू ऑल फॉल्स या फिर दस मैच द फॉलोइंग ठीक है ये तीन में से कोई भी दो आएगा पेपर में ट्रू ऑल फॉल्स और एम सी क्यूज पूछ सकते हैं ट्रू ऑल फॉल्स और मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं तो ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या पूछना चाहता है तो ये आपको पूछा जाएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को खत्म कर दे बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव्स लास्ट मोमेंट तक रख देते हैं वैसा बिल्कुल भी ना करें बिकॉज लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं कितना टाइम आपके पास बचेगा कितना नहीं और आपके ऑब्जेक्टिव्स छूट जाएंगे इसीलिए आप सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट करें नाउ क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू वी आर जस्ट डिस्कसिंग की कौन सा आ सकता है कैसे आ सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा वैसे तो सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यू जस्ट पुट दिस चैप्टर और दैट चैप्टर इन ऑप्शन डू नॉट पुट एनी चैप्टर इन ऑप्शन द रीजन इज ऑप्शन यू शुड डिसाइड वेन यू अपियर फॉर द पेपर नॉट बिफोर द एग्जामिनेशन अब अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में इंटरनल uh, रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है ठीक है ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उस बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम चैप्टर वाइज जाएंगे आगे आगे चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और तो बुक्स वगैरह लेके बैठिए नोट्स बनाइए ताकि ये पूरा सेशन आप एक बार भी जस्ट बुक में से रिवाइज़ कर लोगे जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा तो ये सारे जो सिली मिस्टेक्स आपके होते हैं वो नहीं होंगे ऐसा हो सकता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आए या ऐसा हो सकता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन में बायबैक का क्वेश्चन पूछे ठीक है बायबैक में क्या करना है क्या नहीं वो अभी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दिस कैन बी फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो ये आपके लिए ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है यहां ऐसा नहीं है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही क्वेश्चन नंबर टू में रहेगा बिकॉज यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ही रहेगा बट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन रहेगा तो उसके साथ बाय बैक होने की प्रोबेबिलिटी है और अगर ऐसा हुआ कि सेम चैप्टर के ऑप्शन में सेम चैप्टर आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दैट इज द रीज़न आपको सारे पढ़ के जाना है ठीक है उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री में देयर कैन बी फाइनल अकाउंट्स ठीक है फाइनल अकाउंट्स पूछा जा सकता है अभी फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में कोई दूसरा चैप्टर भी आ सकता है जैसे कि फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डाल दिया अगर बायबैक ऊपर आया तो फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डाल देंगे या फिर फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में ना दो क्वेश्चन आ सकते हैं टेन मार्क्स के ईच तो दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन भी आपको फाइनल uh, अकाउंट्स के ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं टेन मार्क्स टेन मार्क्स दैट विल बी कैरिंग टोटल ट्वेंटी मार्क्स इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ फाइनल अकाउंट्स नो प्रॉब्लम अदरवाइज यू नीड टू सॉल्व टू टेन टेन मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा हुआ तो इससे मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो मेजर मेजर चैप्टर्स है वो अगर आप बराबर से पढ़ेंगे तो आपको फिर ऑप्शन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर में अगेन देर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक ईजी टॉपिक है काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है प्लेलिस्ट में आपको उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको ये चैप्टर में दिक्कत लग रहा है प्रॉब्लम लग रहा है तो यू कैन विजिट द चैनल एंड वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अगेन ऑप्शन में आपके पास दो क्वेश्चन हो सकते हैं टू क्वेश्चन दे कैन आस्क यू अगेन एंड दैट कैन बी अगेन फॉर टू क्वेश्चन अगेन फॉर टेन मार्क्स टेन मार्क्स ठीक है दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन आपके पास अगेन आ सकते हैं एंड दैट विल बी टोटल कैरिंग ट्वेंटी मार्क्स ठीक है यहाँ पे आपके ट्वेंटी हुए यहाँ पे आपके ट्वेंटी फोर्टी हुए यहाँ पे आपके ट्वेंटी हुए दैट इंडिकेट सिक्सटी मार्क्स और क्वेश्चन नंबर फाइव जो है क्वेश्चन नंबर फाइव दैट विल बी फॉर थियोरी दिस विल बी फॉर थियरी क्वेश्चन तो थियरी में भी आपको पता ही है ए और बी आता है और उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आता है तो यूजुअली आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करिए बिकॉज शॉर्ट नोट्स में आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा आपको बट ए और बी जो क्वेश्चन आएंगे उसके पास आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दिस विल बी ओवरऑल सीनेरियो इसमें चेंजेस हो सकते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन थ्री में आ सकता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टू में आ सकता है ऊपर नीचे जा सकता है तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से देखें तो मेजर चैप्टर्स जो है मेजर चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो एक बायबैक है ठीक है एक पहला चैप्टर है आपका बायबैक दूसरा चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और तीसरा चैप्टर है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है ये तीन चैप्टर्स तो आपको परफेक्टली आने ही चाहिए इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन में छोड़ के जाइए बिकॉज फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं तो वी विल गेट द मार्क्स ऑफ पोस्टिंग इन फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स में आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलने वाले हैं इसलिए ये भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन जस्ट आई वॉन्ट टू सी यूर कमेंट्स इन द चैट सेक्शन एक बार चैट सेक्शन में कमेंट्स करें ताकि मुझे भी पता चले ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है या नहीं फिर हम अभी क्या करेंगे हम अभी चैप्टर वाइज जाएंगे हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे हर चैप्टर में से बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड उसमें आपको एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है उस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो पेन और पेपर लेके बैठिए लिखते रहे और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें बिकॉज जिसको भी लग रहा है कि कल का पेपर में क्या होगा कैसे होगा क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना है कल के पेपर में सिंस सेमेस्टर फाइव का फर्स्ट पेपर है कल तो ओवरऑल एक माइंडसेट भी आपका अच्छा चाहिए ओवरऑल एक आपको आ, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एक आइडिया कल के पेपर के बेस पे ही आ जाएगा कि कैसे आपको आगे के आने वाले पेपर्स में प्रिपेरेशन्स करना है एंड आपको इसी तरीके से कॉस्टिंग का भी सेशन मिलने वाला है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले अपने जो भी टीवाई के फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करें ताकि उनको इसका एडवांटेज जो है वो मिल पाए चलो शुरू करते हैं काफ़ी सारे कमेंट्स आपके मैंने देख लिए एंड काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं अबाउट दिस सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट्स चलो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन ठीक है अभी हम जो चैप्टर नंबर वन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट चैप्टर नंबर वन इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर बट ये उनके लिए डिफिकल्ट है जिनको कैलकुलेशंस में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन ये बेसिकली एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है हर बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी ट्रोल हॉल्स में पूछता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन आपको याद रखना है ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है अब मैं जा डायरेक्ट पूरा डिटेल में नहीं जाता हूँ डायरेक्ट मुद्दे पे की, की बात करेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली exactly इस चैप्टर में जो लेवल्स है अगर इस चैप्टर में हम लेवल्स की बात करें तो कौन से कौन से टाइप के लेवल्स हैं बहुत ही सिंपल सबसे पहला जो लेवल है दैट विल बी अबाउट डिबेंचर्स ठीक है डिबेंचर्स का एक लेवल है डिबेंचर्स का हो सकता है या बॉन्ड्स का हो सकता है इसका मतलब वो जो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का वैरायटी है एक्स इंटरेस्ट है और कम इंटरेस्ट है हम डिस्कस करेंगे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ठीक है एंड सेकेंड जो लेवल है दैट विल बी ऑफ शेयर्स का लेवल ठीक है शेयर्स का लेवल है फॉर्मेट कैसे बनाने का फॉर्मेट में पोस्टिंग कैसे करने का वो सब तुमको अभी आता है बिकॉज कल पेपर है और आज के दिन आपको ये सारी चीज़ें पता है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जिसमें से हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड हमें वो पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिकॉज हमें वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ध्यान सब से सबसे पहले अगर हम बॉन्ड्स की बात करें डिबेंचर्स uh, की बात करें दैट इज एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की बात करें तो देखो इसमें आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इसमें आपको सबसे पहले एग्जामिनर परचेज का ट्रांजेक्शन पूछेगा और परचेज में आपको वो तो एक्स इंटरेस्ट देगा ठीक है परचेज में एक्स इंटरेस्ट परचेज में एक्स इंटरेस्ट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे कि उसने कहा कि हंड्रेड डिवेंचर्स परचेस एट द रेट नाइन्टी सेवन एक्स इंटरेस्ट है तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड करोगे तो आप फेस वैल्यू कॉलम में लिखोगे हंड्रेड इंटू नाइन्टी सेवन करोगे तो आप कॉस्ट कॉलम में लिखोगे वो सभी को पता है दूसरा जो इसमें ट्रांजेक्शन पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन सेम हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हंड्रेड जो है एट द रेट नाइन्टी सेवन ठीक है तो अभी क्या होगा 100 इंटू हंड्रेड करोगे फेस वैल्यू कॉलम में लिखोगे और 100 इंटू नाइन्टी सेवन करोगे 9700 वो कॉस्ट कॉलम में आप नहीं लिखोगे बिकॉज इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है दैट इज़ कम इंटरेस्ट तो आप एक वर्किंग नोट जैसे बनाओगे उसमें आप 9700 लिखोगे उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आप अपने फॉर्मेट में लिखोगे आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ द चैप्टर एंड फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है तो मैंने फोर फाइव वीडियोस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बनाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है उसमें सारा ये चैप्टर का पूरा समी सॉल्व करके दिया है तो उसमें से भी आपको आइडिया आ सकता है दूस, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज सेल्स दूसरा जो पॉइंट है दैट इज वॉट दैट इज सेल्स अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी दो ट्रांजेक्शन है एक है आपका एक्स इंटरेस्ट और दूसरा है आपका कम इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल एक है आपका एक्स इंटरेस्ट दूसरा है आपका कम इंटरेस्ट अगर अगर हम सेल की बात करें तो सेल में एक्स इंटरेस्ट होते हैं तो आपको ना वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं ठीक है थीके? वर्किंग नोट्स तो इसमें आपको दो वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं एक तो आप पहले क्या करोगे वो वेटेड एवरेज कॉस्ट का जो वर्किंग नोट होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज ढूंढते हो जैसे कि हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ऐड परचेस करते हैं फिर लेस सेल करते हैं लेस सेल जब करेंगे तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढते हैं आपको पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ आपको तो हम यहाँ पे थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक वर्किंग नोट बनानी है और एक प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट बनाना है बिकॉज सेल्स जब भी होता है तब आइधर आपको प्रॉफिट होता है या आइधर आपको लॉस होता है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हम इन्वेस्टमेंट uh, अकाउंटिंग के डेबिट साइड में लिखते हैं अगर आपको लॉस होता है तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बहुत ही सिंपल है कम इंटरेस्ट रहा तो हमें

कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू ठीक है ये सबसे लास्ट में है ये जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को क्लोज करोगे तब आप मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट वहां पे लोगे और इसमें रूल क्या है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस ठीक है और फिर जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस करके क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में लिखोगे और उसको कॉस्ट कॉलम में लिख दोगे दिस इज ओवरऑल सीनैरियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसमें ज़्यादा कुछ लेवल्स नहीं है सिर्फ आपको इसके साथ इंटरेस्ट के डेट्स देखने हैं इंटरेस्ट के डेट्स नॉर्मली इंटरेस्ट के डेट्स दो बार आते हैं साल में इसका क्या मतलब है हाफ़ ईयरली आता है इसका ये मतलब नहीं है कि दो डेट्स से ज़्यादा डेट्स नहीं आ सकते तीन डेट्स भी आ सकते हैं चार डेट्स भी आ सकते हैं कंसेप्ट वही है जैसे डेट्स आएंगे वैसे आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके क्रेडिट साइड में लिखना स्टार्ट करोगे ये हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहला लेवल दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का लेवल इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसका प्रैक्टिस जरूरी था अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है तो मैंने चार वीडियोज बना दिए है सम सॉल्विंग के ऊपर वो आप डिटेल में देखिए बिकॉज uh, अभी हम लास्ट मिनट में ये सारी चीजें सम भी नहीं देखेंगे बिकॉज लास्ट मिनट में आपको ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हमारे सिली मिस्टेक्स यूजुअली होते हैं तो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी जस्ट आई वॉन्ट टू सी यूर कमेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट्स में कमेंट करें सभी को क्लियर है ये सब अभी तक जितना डिस्कस किया हमने तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम दूसरे पॉइंट्स में जाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो दूसरा टाइप है शेयर्स का उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ उसके पहले मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं जल्दी जल्दी कमेंट्स करें ताकि मुझे भी पता चले आप लोग मेरे साथ हैं एंड आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एवरी जस्ट वॉन्टेड टू सी योर कमेंट्स ओके चलो ठीक है सबके कमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चलो अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका पेपर है कल तो अभी सेकेंड पार्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड शेयर्स ठीक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सेकेंड पार्ट जो है शेयर्स ये सबसे सिंपल है लेकिन यूजुअली क्या होता है आपने वो डिवेंचर्स और बॉन्ड्स का प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा किया होता है इसके लिए उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा होने की वजह से वो सबको ईजी लगता है लेकिन शेयर्स उल्टा उससे भी ईजी है शेयर्स में मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ यही कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको शेयर्स में आएगा ओपनिंग बैलेंस ठीक है उसके बाद हमको हमेशा मिलेगा परचेज तो परचेज आया तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे सेल आया तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे परचेज के बाद यूजुअली यहाँ पे बोनस शेयर्स आता है ठीक है बोनस शेयर्स और बोनस शेयर्स हमेशा याद रखना बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट दैट इज़ वाई बोनस शेयर्स हमेशा फेस वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में आते हैं कॉस्ट कॉलम में नहीं आते हैं ये बोनस के लिए आपको रेशो दिया जाएगा जो भी रेशो दिया जाएगा वैसे प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है रेशो में जिनको गड़बड़ लगता है ये इक्वेशन याद रखो हेल्ड इज टू इशूड ठीक है अभी बोला मैंने समझो द कंपनी डिसाइडेड टू इशू वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर हेल्ड तो वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर हेल्ड तो फोर हेल्ड के इधर आएगा और वन इशूड के इधर आएगा इसका मतलब अगर हमारे पास चार शेयर्स रहेंगे तो हमको वन शेयर्स बोनस में मिलेगा इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज राइट इशू राइट्स शेयर्स ठीक है राइट्स इशू बोल सकते हैं अभी राइट्स इशू में भी आपको क्या दिया जाएगा राइट्स इशू में भी आपको रेशो दिया जाएगा अभी राइट्स इशू में एक कंसेप्ट आता है सब्सक्रिप्शन का ठीक है अभी राइट शेयर्स फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड है आपने जो कैलकुलेट किए उसका आंसर आपको टेन थाउजेंड मिला और उन्होंने कहा है कि सिक्सटी परसेंट जो है वो सब्सक्राइब किया है ठीक है क्या बोला उन्होंने सिक्सटी परसेंट इज सब्सक्राइब एंड बैलेंस जो फोर्टी परसेंट है दैट इज़ सोल्ड ठीक है तो आपको याद रखना है राइट right शेयर्स जब हम सोल्ड करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कोई भी एंट्री नहीं आती हमें इस सिर्फ सिक्सटी परसेंट का ही एंट्री करना है मतलब ये सिक्स थाउजेंड का एंट्री करना है जो भी रेट आपको दिया रहेगा उस रेट से हम इसकी एंट्री कर लेंगे तो दैट विल बी द कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स राइट शेयर्स हमेशा पैसे दे के मिलेंगे फ्री में नहीं मिलेंगे वो आपको हमेशा याद रखना है ठीक है ये हमारा राइट right इशू हो गया इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंट ठीक है डिविडेंट तो ये डिविडेंट जो है वह आपको सॉल्व करना है डिविडेंट में रूल एकदम सिंपल है अगर आप ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंट ढूंढोगे तो वो आप क्रेडिट साइड में डिविडेंड कॉलम में लिखोगे ठीक है वेरी सिंपल रूल ओपनिंग बैलेंस पे जो भी डिविडेंड ढूंढोगे वो आप क्रेडिट साइड में डिविडेंड कॉलम में लिखोगे और जो आप परचेस पे डिविडेंड ढूंढोगे वो आप कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड लिखोगे बिकॉज दैट इज़ प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो ये आपको ध्यान रखना है केस ऑफ डिविडेंड ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज सेल फिर हम बेचते हैं और बेचने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज वेन एवर वी आर सेलिंग एनीथिंग वी गेट प्रॉफिट और लॉस तो जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी लॉस होगा उसका भी आपको एंट्री करते जाना है तो शेयर्स में ज्यादा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है ओपनिंग बैलेंस आएगा परचेज आएगा बोनस शेयर्स आएगा राइट्स right इश्यू आएगा डिविडेंड आएगा और लास्ट में सेल आएगा तो अगर आप ये दोनों लेवल करके गए तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे कहीं पे भी पूछे कौन से क्वेश्चन में भी पूछे आपको कोई भी दिक्कत इसका प्रॉब्लम्स नहीं होगा जिन लोगों को शेयर्स नहीं आता है मैंने शेयर्स का भी एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्व करवाया है तो अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हुए हो इस वीडियो के बेस पे तो प्लेलिस्ट में जाइए प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको ठीक है ताकि एक ओवरऑल आपको लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज चैप्टर नंबर वन कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में मेजर पार्ट है कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस आपके तभी कम्फर्टेबल होंगे जब आपने उसका पहले से प्रैक्टिस किया है फिर भी आपको आप अब अगर लगता है कि लास्ट मिनट में कैसे इस चैप्टर को कम्प्लीट करें तो फोर फाइव वीडियोज़ मैंने जो बनाया है वो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प उस वीडियोज से भी होगा तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर वन कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन एंड इफ यू यू आर क्लियर विथ चैप्टर नंबर वन वॉट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर वन आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यूर कमेंट्स इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव इन द नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर उसमें ध्यान देना है चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो सबके जितना जल्दी कमेंट्स करेंगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए ट्राई करेंगे तो सबके कमेंट्स आने चाहिए सिर्फ कमेंट्स में आप लिखिए कि चैप्टर नंबर वन इन्वेस्टमेंट क्लियर चैप्टर नंबर वन इन्वेस्टमेंट क्लियर जल्दी जल्दी लिखो चलो जल्दी जल्दी हैज़ हैज़ टू टू राइट राइट मुझे देखना है सबके कमेंट्स आने चाहिए चलो जल्दी जल्दी लिखो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी चलो ठीक है आ रहे सबके कमेंट्स आ रहे हैं एंड पीपल आर नोटिंग इट ऑल्सो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो राइट फाइन सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया अबाउट दी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अब हम हमारे चैप्टर नंबर टू में जाते हैं ठीक है चैप्टर नंबर टू जो है दैट हम डिस्कस करेंगे दैट विल भी अबाउट बाय बैक ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक काफ़ी ईजी चैप्टर भी है लेकिन बहुत ही रिस्की चैप्टर है रिस्की चैप्टर इसलिए कि इसमें आपने अगर वर्किंग नोट्स में कुछ गलती कर ली बाय बैक कैल्कुलेशन में कुछ गलती कर ली बाय बैक कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग कर दिया तो फिर आपके इसके जो मार्क्स है वो चले जाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है बायबैक ऑफ शेयर्स में सबको रूल्स पता है अभी ओन फंड ढूंढने का 25 फाइव परसेंट ढूंढने का फिर ओन फंड 50 परसेंट बॉरड फंड ढूंढने का एवरीबडी नोज द रूल्स आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द रूल्स विद यू वेरी सिंपल वेरी सिंपल हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे होते हैं तो देखो सबसे पहला जो सिली मिस्टेक है वो आपका सोर्सेस में होता है सोर्सेस में आपको सिखाया गया है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखिए जनरल रिजर्व लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए लेकिन अगर एग्जामिनर ने कोई एक्स्ट्रा रिजर्व डाल दिया सी डाल दिया कैपिटल रिजर्व डाल दिया तो फिर वो आपको प्रॉब्लम दिक्कत कर देगा इसके लिए इसके लिए आपको ध्यान रखना है सोर्सेस में हमेशा फ्री रिजर्वस ही आता है ओनली फ्री रिजर्व आर अवेलेबल फॉर बाय बैक नॉन फ्री रिजर्व मतलब जिसको हम डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफ़िट्स कहते हैं तो डिविजिबल प्रॉफ़िट्स आर ओनली यूज फॉर आवर फ्री रिजर्व्स बट सोर्सेज एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफ़िट्स आर नॉट यूटिलाइज तो सोर्सेज में आपको फ्री रिजर्वस लेना है यूजली जनरल रिजर्व पी एंड एल एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं तो वो भी एक बार फ्री रिजर्वस का लिस्ट पढ़ के रखिए दैट विल हेल्प यू इफ़ यू सी द लेवल्स अगर हम बायक uh, के लेवल्स की बात करें तो लेवल नंबर वन जो है दैट इज़ ऑफ़र प्राइस गिवन तो ऑफ़र प्राइस जो रहता है वो आपको दिया है ये आपका लेवल नंबर वन है एंड लेवल नंबर टू जो है दैट इज ऑफर प्राइस नॉट गिवन ऑफर प्राइस नॉट गिवन ये दो लेवल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ओनली फर्स्ट लेवल ऑफर प्राइस दिया रहता सेकेंड लेवल में ऑफ़र प्राइस अगर नहीं दिया है तो आपको ऑफ़र प्राइस कैलकुलेट करना है उसके लिए एक लास्ट में कैलकुलेशन आता है तो वो आपको सॉल्व करना है ऑफर प्राइस नॉट गिवन बट और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पार्टली पेड अप पार्टली पेड़ अप जो शेयर्स होंगे दैट कैन नॉट बी बाय बैक वो बाय बैक नहीं हो सकते तो पार्टली पेड अप शेयर्स को हमें कन्वर्ट करना है इनटू फुल्ली अप पार्टली पेड अप शेयर्स को हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है इंटू फुल्ली पेड अप तो इसके लिए वी हैव टू एंट्रीज वन इज ऑफ कॉल पेमेंट ड्यू एंड द सेकेंड इज ऑफ कॉल पेमेंट रिसिव तो दो एंट्रीज आपको करना है कॉल पेमेंट ड्यू एंड कॉल पेमेंट रिसिव्ड दिस इज ऑप्शनल इट डिपेंड्स ऑन द एडजस्टमेंट इफ यू हैव दस्टमेंट ऑफ पार्टली पेड अप देन ओनली वी विल बी पासिंग दिस टू एंट्री अदरवाइज ये एंट्रीज आपको नहीं करनी देन इन समर क्वेश्चन वी हैव द एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो अगर आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड के ऊपर तो आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देना है अगर आपको लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लेस करना है बाकी आपके फोर नॉर्मल एंट्रीज है बायबैक ड्यू एडजस्टिंग प्रीमियम क्रिएटिंग सी आर आर एंड सेटलमेंट ये चार एंट्री तो हमेशा सेम आता है और इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो ये सब एडजस्टमेंट्स है कॉल पेमेंट ड्यू कॉल पेमेंट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सोल्ड और कभी कभी बोनस आता है डिपेंड करता है तो ये ओवरऑल पॉइंट है अभी बायबैक में बायबैक में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा वो वर्किंग नोट्स तो करना ही है मतलब कंडीशंस फॉर बाय बैक वो तो आपको करना ही है उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा जर्नल एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन जरल एंट्रीज आपके सही तब होंगे जब आपके ये वर्किंग नोट सही होंगे अगर आपके वर्किंग नोट्स गलत होंगे तो जरल एंट्रीज जो है वो आपकी गलत ही होगी तो ये आपको ध्यान रखना है जरल एंट्रीज़ के बाद एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कंप्लीट बैलेंस शीट पूछता है कि नहीं अगर वो आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछता है तो वो आपको क्या पूछेगा वो आपको पूछेगा शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाओ दूसरा एक रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाओ और तीसरा एक कैश एंड कैश इक्वी का वर्किंग नोट बनाओ इतना आपको वो पूछ सकता है कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे तो ये तीन पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस तो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर टू वेरी इजी टॉपिक बट वन ऑफ द रिस्की टॉपिक रीजन इफ योर वर्किंग नोट्स आर रॉन्ग इफ यूर बाय बैक कैल्कुलेशन इज रॉन्ग द होल थिंग बिकम रॉन्ग तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बाय बैक ऑफ शेयर्स में ये वर्किंग नोड हमारा गलती ना हो मतलब जो कंडीशन आप ढूंढते हो बायैक में उसमें ध्यान से कैलकुलेट करें सोर्सेस में गलती होने की चांसेस है बिकॉज एक हाथ फ्री रिजर्व है और वो आपने नहीं लिखा या एक हाथ फ्री रिजर्व नहीं है और वो आपने लिख दिया तो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है दिस इज चैप्टर नंबर टू आई होप दिस चैप्टर नंबर टू इज क्लियर टू यू कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है एंड आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जो सिली मिस्टेक्स आपके हमेशा होते हैं चलो अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबके कमेंट्स आने चाहिए अभी जल्दी जल्दी कमेंट्स करें सभी लोग कमेंट करें लो करे, ताकि सबके कमेंट्स आएंगे तो हम अभी फिर चैप्टर नंबर थ्री का भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हमने दो चैप्टर के बारे में अभी डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया सेकेंड टॉपिक हमने बायबैक के बारे में डिस्कस किया तो अकॉर्डिंगली हम अभी थर्ड चैप्टर में जाएंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और उसमें से मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी बताऊंगा जो हमेशा पूछे जाते हैं एंड कुछ ऐसी एंट्रीज बताऊंगा जो कुछ भी हो जाए पेपर में आती ही है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले मैं आप सभी के कमेंट्स आना चाहता हूँ सभी के कमेंट्स एक बार देखना चाहता हूँ सो आई जस्ट वॉन्टेड योर कमेंट्स इन द चैट सेक्शन जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में कमेंट करें एंड क्लियर चैप्टर नंबर टू बाय बैक ऐसे कमेंट्स आपके आने चाहिए चैप्टर नंबर टू बाई बैक क्लियर वॉट एवर यू हैव टू स्टडी इज़ इट क्लियर एवरी वन जस्ट ट्राई टू गिव यूर कमेंट्स बिकॉज मैं यहाँ पर आपको देख नहीं पा रहा हूँ और अकॉर्डिंगली आप सिर्फ मुझ मुझसे चैट के बेसिस पर ही जुड़ सकेंगे तो दैट इज़ वाई जस्ट एक बार कमेंट करें ताकि मुझे भी आइडिया आ जाए कि आपको ये दोनों चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई है वो समझ में आई है चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ़ यू वेरी गुड सबके कमेंट्स धीरे 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 आ रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स करें जल्दी 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 कमेंट्स करें सब लोग ताकि मुझे भी पता चले कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट चैप्टर नंबर वन एंड टू तो दिस इज चैप्टर नंबर वन एंड टू वी हैव डिस्कस सो आई एम गेटिंग ऑल ऑफ यूर कमेंट्स थैंक यू वेरी मच जल्दी जल्दी कमेंट्स करने के लिए चलो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थ्री सबका फेवरेट टॉपिक और उतना ही ट्रिकी टॉपिक उतना ही ट्रिकी टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग आईआर नाम से जानते हैं कैपिटल रिडक्शन ठीक है चैप्टर नंबर थर्ड इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाउ दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक विच कैन बी द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर बिकॉज एग्जामिनर इसमें आपको एडजस्टमेंट्स में घुमा देता है और एडजस्टमेंट्स में घुमाने की वजह से स्टूडेंट्स उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसमें आपको मार्क्स में प्रॉब्लम्स होते हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर में जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपकी सही आएगी उतने आपको मार्क्स मिलेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर एडजस्टमेंट एक गलत हो गया तो आपको पूरा जीरो मिलेगा ऐसा नहीं है आपके सिर्फ उसी एंट्री के मार्क्स जाएंगे बाकी जितनी भी एंट्रीज आपने सही की है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे अब मैं इसमें आपको डिस्कस करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का रिडक्शन ठीक है या फिर नाम चेंज हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन तो फेस वैल्यू अगर आपका दस है उन्होंने बोला रिड्यूस करो रुपीस टू तक तो जितना भी डिफरेंस है वो आपका कैपिटल रिडक्शन में जाता है काफी सिंपल है आई होप कि आपको ये एंट्रीज तो आती होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट

डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऐसा बहुत सारा आता है तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता के रखता हूं हमेशा ध्यान रखें जिसको भी जर्नल एंट्री डिफिकल्ट लगता है जब कभी भी आप लाइबिलिटी साइड की कोई भी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट से करने वाले हो तब उसमें हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो भी पॉइंट आपके लाइबिलिटी साइड में दिया है वो पॉइंट डेबिट ही होगा सिंपल रूल जैसे कि अगर मैं आपको कहूं एडजस्टमेंट में डिबेंचर होल्डर्स डिसाइडेड टू वेव 20% परसेंट ऑफ देयर क्लेम्स तो डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर्स पॉइंट लाइबिलिटी साइड में है तो इसके लिए हमको हमेशा रखना है अगर वो पॉइंट लाइबिलिटी साइड में है तो उसको डेबिट करना है एंट्री बनेगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन या डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन सिमिलरली ऐसा एक एडजस्टमेंट आता है क्रेडिटर्स पे तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में है

एंड वॉट एवर वी आर गिविंग टू द क्रेडिटर्स दैट इज टू बी क्रेडिटेड अगर हमने उनको इक्विटी शेयर्स दिए तो इक्विटी शेयर्स क्रेडिट करो अगर हमने उनको प्रेफरेंस दिए तो प्रेफरेंस क्रेडिट करो अगर उन्होंने वेवड कर दिए तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दो ठीक है सिंपल रूल है फिर मैं असेट्स में भी आता हूं और असेट्स का भी बताता हूँ ठीक है ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है ये आपको आपके हर क्वेश्चंस में देखने मिलेंगे इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स नॉर्मली ये आपके हर क्वेश्चन में रहते ही है उसके बाद एक एडजस्टमेंट लाइबिलिटी का सबका फेवरेट एडजस्टमेंट है दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंट इन एरियर्स ठीक है देखो हम सब डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको अभी तक चीज़ें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रीच हो पाए ज़्यादा लोगों तक रीच होगा तो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा आपके फ्रेंड्स में शेयर करें जिनको ये लिंक नहीं मिला है मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो से मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो और मैक्सिमम बच्चे जो एग्ज़ाम के पहले ये सोचते रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उनको फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें बना रहा हो तो अभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना शेयर करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में तो यूजुअली कैसे दिया रहता है प्रेफरेंस डिविडेंट इज इन एरियर्स फॉर फोर इयर्स या प्रेफरेंस डिविडेंट इज इन एरियर्स फॉर थ्री इयर्स ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसकी एंट्री बता देता हूँ एंट्री हमेशा याद रखना है एंट्री है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक हम उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक और इसमें और एक चीज़ याद रखनी है प्रेफरेंस डिविडेंट इज इन एरियर्स बोलेगा तो दैट इज़ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर वेवड करेगा तो नो एंट्री ठीक है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर वेव्ड किया जाएगा तो नो एंट्री कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर पेड करेगा तो ही एंट्री होगा ये बेस याद रखना वरना गलती करके आएंगे पेपर में एंट्री फिक्स है अगर वो एरियर्स चार साल का एरियर्स में है भूल जाओ चार साल का एरियर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं चार साल का ढूंढो और वो बोलेगा कि उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट वेउड कर दिया तो 75 फाइव परसेंट छोड़ दो बाकी रिमेनिंग 25 फाइव परसेंट जो बचेगा दैट विल बी पेड एंड एंट्री विल बी वेरी सिंपल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर हम उनको शेयर्स देंगे तो एंट्री तो बनेगा कैपिटल रिडक्शन टू शेयर्स का नाम जो भी रहेगा इक्विटी रहेगा प्रेफरेंस रहेगा जो भी रहेगा वो आप लिख सकते कैपिटल रिडक्शन टू बैंक ये एंट्री और एक पॉइंट में आता है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड उसका भी यही एंट्री है सीआर टू बैंक वो आपको ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट अभी हम जाते हैं साइड साइड में asset side में ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को तो अभी असेट साइड का डिस्कस करते हैं देखो असेट साइड का मैं एक रूल बताता तो हूँ आपको अगर असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन इन असेट असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग एप्रिसिएशन इन असेट्स और उसको हमें हमेशा याद रखना है हमें असेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो हमें क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है ठीक है मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये रूल रूल लिख के रखो आपके पास असेट का वैल्यू जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है तभी कैपिटल रिडक्शन जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा ठीक है क्या होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या बनेगा असेट्स का नाम डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट डिफरेंस लिखना है दोनों अमाउंट्स का अगर असेट का वैल्यू कम होगा तो उसको हम अकाउंटेंसी लैंग्वेज में डेप्रीसीन कहते हैं और डेप्रिसिएशन का मतलब हमारे लिए लॉस है तो लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को हमें क्या करना है डेबिट करना है ठीक है तो अभी तभी तो एंट्री क्या होगा फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट अगेन डिफरेंस लिखना है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है ये रूल्स याद रखो चैप्टर बहुत इजी जाएगा आपको असेट्स में पहले आपको क्वेश्चन की वैल्यू देखनी है असेट्स की उसके बाद आपको एडजस्टमेंट की वैल्यू देखनी है और क्वेश्चन की वैल्यू और एडजस्टमेंट की वैल्यू का डिफरेंस हमेशा लेना है और वो हमेशा याद रखना है ठीक है कभी कभी आपको क्वेश्चन में देते हैं असेट्स आर रेड्यूस टू ठीक है to, अ, 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 अगर ऐसा दिया समझो ऐसा दिया लैंड एंड बिल्डिंग इज रेड्यूस टू टू लैक्स और क्वेश्चन में उसका वैल्यू है समझो वन लैख एटी थाउजेंड एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्वेश्चन में वन लैक एटी थाउजेंड है और एडजस्टमेंट में बोला लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड टू टू लैक्स इसका मतलब क्या है था टू लैक ,00 हो रहा है तो इसका मतलब है बीस हजार से वैल्यू बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अगर होगा तो एंट्री बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ट्वेंटी थाउजेंड कभी कभी आपको अगर ऐसा बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इज रेड्यूस बाई ट्वेंटी थाउजेंड तो ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है इधर बाय बोला तो आपको डिफरेंस नहीं लेना है यही वैल्यू लिखना है क्या लिखना है एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग इज बाय था मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड से कम कर दिया तो अभी कम कर दिया तो डेप्रिसिएशन है एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन टू लैंड एंड बिल्डिंग आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ये टू और बाय में बहुत लोगों के डिफरेंसेस में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और रॉन्ग हो जाता है सिली मिस्टेक होता है तो ये टू और बाय जरा ध्यान से देखिए और टू और बाय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो मिस्टेक्स है वो नहीं होंगे दैट विल बी रिलेटेड विद योर असेट्स उसके बाद एक कॉमन uh, एडजस्टमेंट्स हमेशा आता है और वो तो इस चैप्टर का बेस ही है दैट इज इंटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स टू बी रिटर्न ऑफ तो इसका तो कॉमन एंट्री है सबको आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है बेट टू जितने भी इंट है सब लिख दो गुडविल पेटेंट्स कॉपी राइट्स ट्रेडमार्कस फिक्टिशियस में सारे फिक्टिशियस पी एंड एल डेबिट बैलेंस पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसिस फॉर्मेशन एक्सपेंसिस शेयर इशू एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स पब्लिसिटी कैंपेन ऐसे बहुत सारे आते हैं हमेशा ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम आता है लेकिन दो तो तीन तीन तो रहते ही है ये आपको करने हैं एंड अकॉर्डिंगली इसके भी आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे तो इतने मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए ये काफी इजी इजी कंसेप्ट है देन आपको इसके साथ लेजर और बैलेंस शीट पूछा जा सकता है तो दिस इज अबाउट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और बाकी एक हाथ दो एडजस्टमेंट ट्रिकी आए भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आए भी तो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की वजह से बाकी के क्वेश्चन में गलती मत कर देना ट्रिकी एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ो दो तीन बार पढ़ो आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा और हमेशा याद रखने का जिसको भी सेटल्ड करेंगे उसका अकाउंट डेबिट करेंगे अगर हम क्रेडिटर्स को सेटल्ड करेंगे तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे और उनको जो जो दिया वो क्रेडिट करेंगे ठीक है दैट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट द जर्नल एंट्री अदरवाइज जर्नल एंट्री फ्रेम्ड करने में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है दिस इज द बेस ऑफ द इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन विच यू हैव टू फोकस एंड आई हैव ट्राई टू टेल यू दैट की वेयर स्टूडेंट्स यूजअली मेक सिली मिस्टेक्स तो मैंने आपको वो भी चीजें बताई है कि सिली मिस्टेक्स यूजअली कहाँ करते हैं बच्चे तो ये चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा और लास्ट में कैपिटल रिजर्व जो आएगा वो भी आपको ध्यान रखना है कैलकुलेट प्रॉपरली करना है कभी कभी जीरो आ सकता है कभी कभी कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आ सकता है जीरो आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो कैपिटल रिजर्व में आप अमाउंट डालिए कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व देन दे कैन आस्क यू बैलेंस शीट इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो आपको बैलेंस शीट पूछेगा कि नहीं पूछेगा आई होप दिस चैप्टर नंबर थ्री इज आल्सो क्लियर टू यू आ, अगर ये चैप्टर नंबर थ्री आपको सबको क्लियर है इसके बेसिक्स जो मैंने बताया वो क्लियर है अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है चार पांच सेशंस डाल के रखे हैं सब कुछ अवेलेबल है लेकिन अगर आप पहली बार आज जुड़ रहे हो तो कल पेपर है तो अभी अभी लास्ट मोमेंट में क्या देखूँ तो ये सारी चीज़ों देखो और जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है प्ले में जाके उसकी वीडियोज़ देखो ठीक है दैट विल बी द पॉइंट चलो जल्दी जल्दी अभी आपके अगेन कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को आई वॉन्ट यूर कमेंट्स इन द चैट सेक्शन नाउ अगेन कमेंट्स आने चाहिए सबके आपके जल्दी जल्दी कमेंट्स करो ताकि मुझे भी पता चले एग्जैक्टली exactly कि यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नंबर थ्री इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है देन हम अभी पढ़ेंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद सबसे लास्ट जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में रख चुके हैं ऑलरेडी और कुछ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं अटेम्प्ट करूं कि नहीं करूं उसके बारे में भी बताऊंगा तो जल्दी जल्दी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपको ये चैप्टर नंबर थ्री समझ में आया ये सेशन आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि अगला जो सेशन आएगा कॉस्टिंग का उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिले शाम को छः बजे आपको कॉस्टिंग का सेशन मिलेगा कल तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके रखे कॉस्टिंग के बारे में भी और उस तरीके से कॉस्टिंग का भी रिवीजन हम करेंगे कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है चलो जल्दी एवरी वन एवरी वन जल्दी रिप्लाई करो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सभी लोग कमेंट करो इतने बच्चे हैं लाइव और कोई कमेंट नहीं कर रहे सब लोग जल्दी, जल्दी 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 कमेंट करो सब लोग चलो चलो, 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 चलो चलो ओके फाइन 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 चलो सबके कमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यूर फ्यर फॉर योर कमेंट्स चलो बढ़िया है अस कम टू चैप्टर नंबर फोर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम ताकि आप लोग भी बाकी की प्रिपरेशंस कर पाए चैप्टर नंबर फोर और ये है हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट्स अब ये फ़ाइनल अकाउंट जो चैप्टर है ना ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत लोगों को ये चैप्टर uh, में कभी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि मेरा कभी ना कभी फाइनल अकाउंट स्टैली नहीं होता है नॉर्मली फाइनल अकाउंट स्टैली न होता नहीं होता है बहुत सारे बच्चों का फाइनल अकाउंट्स वो टैली नहीं होता है अभी हम अगर टी की फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो वी हैव वर्टिकल फाइनल अकाउंट्स राइट वी हैव वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस विच इज एन इनकम स्टेटमेंट एंड वी हैव वर्टिकल बैलेंस शीट दैट इज दी बैलेंस शीट ऑफ दी कंपनीज अगर हम ये बैलेंस शीट की बात करें तो ये ऑलरेडी आपको आता है क्योंकि ये आपने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में भी बैलेंस शीट है और यही बैलेंस शीट आपका बायबैक में भी बैलेंस शीट है और यही बैलेंस शीट आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा था अब प्रॉब्लम ऑराइज होता है ये पर, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये जो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें आपको फॉर्मेट जो है वो आना चाहिए अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा मैं आपको बहुत सिंपल चीज सजेस्ट करने वाला हूं अगर हम इस चैप्टर की लेवल्स की बात करें कौन से टाइप के लेवल्स आएंगे तो लेवल नंबर वन जो है दैट इज द एग्जामिनर विल आस्क यू वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली इनकम स्टेटमेंट नथिंग एल्स ठीक है दूसरा जो वो लेवल आपको पूछ सकता है वो आपको पूछ सकता है वर्टिकल बैलेंस शीट ओनली बैलेंस शीट पूछ सकता है और तीसरा जो एक लेवल है वो एक लेवल नहीं है बेसिकली ये आपको कंबाइंड क्वेश्चन पूछ सकता है और इस कंबाइंड क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा एज वेल एज बैलेंस शीट भी आएगा अब नॉर्मली क्या होता है अब अगर हम बात करें ये चैप्टर बहुत इजी है इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है एडजस्टमेंट भी बहुत इजी आते हैं तो अगर हम ये बैलेंस शीट की कंबाइंड की बात करें तो ये उन्होंने ही अटेम्प्ट करना जिनका स्पीड काफी अच्छा है जिनको कभी भी स्पीड का प्रॉब्लम नहीं आता है जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को कभी पेपर मेरा इनकम्प्लीट नहीं होगा मेरा पेपर हमेशा कम्प्लीट होता है मेरे पास टाइम बचता है वो लोग ही कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाकी के लोग क्यों मत करना ऑप्शन वाला देखो आपको ये अच्छा क्वेश्चन अगर करना ही पड़ा तो ऑप्शन नहीं है लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन वाला क्वेश्चन ईजी है तो गो फॉर दैट द रीजन इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वर्टिकल पी एंडल में आपको पहले फॉर्मेट बनाना है फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है सिमिलरली बैलेंस शीट बनाना है उसका नोट्स टू अकाउंट बनाना है फिर उसको सब कुछ टोटल uh, बिटल करके क्लोज करना है और लास्ट में अगर टैली नहीं हुआ तो एक इमोशनल प्रेशर आता है कि इतना सब करके भी टैली नहीं हुआ दैट इज द रीजन कंबाइंड पी एंडल कंबाइंड बैलेंस शीट जिनका स्पीड अच्छा है वही सॉल्व कर सकते हैं वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपके पेपर में आता है तो ये सभी लोग अटेम्प्ट करना बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम मैक्सिमम पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे इवन इफ यू आर टोटल राय लास्ट पार्ट इज रॉन्ग देन ऑल्सो यूल गेट मार्क्स फॉर पोस्टिंग सिमिलरली अगर वर्टिकल बैलेंस शीट आया तो ये भी आप अटेम्प्ट कर रहा बिकॉज वर्टिकल बैलेंस शीट में कोई भी नया पार्ट नहीं है आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में और बायबैक में जो किया है वही है यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग के मार्क्स मैक्सिमम जो है वो मिल पाएंगे नाउ दो स्टूडेंट्स वर थिंकिंग दैट फाइनल अकाउंट हम ऑप्शन में रखेंगे फाइनल अकाउंट्स हम नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल भी मत करो फाइनल अकाउंट्स पूरा ऑप्शन में मत रखो बिकॉज फाइनल अकाउंट्स आप तभी ऑप्शन में रखो या तभी आप उसको अटेम्प्ट मत करो जब वहां पे कंबाइंड पी एंड एल एंड कंबाइंड बैलेंस शीट देखने मिलेगा अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट करो उस पर मैग्जिम मार्क्स मिलते हैं पोस्टिंग के लेकिन स्टूडेंट्स वो लेंदी होने की वजह से उसको छोड़ के जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली फाइनल अकाउंट्स काफी ईजी आ जाता है पेपर में तो ये गलती आप ना करें इसके लिए मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो लास्ट में बताया जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं उन सभी को सारी चीजें पता चली होगी एक्जैक्टली exactly कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करना है किस तरीके से आपको ओवरऑल चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है हमने हर चैप्टर के बारे में डिस्कस किया हमने पेपर पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया तो ये आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया इसी तरीके से हम कॉस्टिंग का भी रिविजन करेंगे एंड इसी तरीके से हम टैक्सेशन का भी रिविजन करेंगे तीन तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा ऑन दिस चैनल और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो अगर आपको लग रहा है ये सब वर्थ है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले बिकॉज उनको भी इसके आ, बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर सबका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें सिर्फ पैनिक में आके सॉल्व मत करें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े उसके बाद सॉल्व करें थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर मैं आपको मिलता हूं कॉस्टिंग के रिविजन के साथ थैंक यू बाय बाय टेक केयर